दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब हम मैच में आउट हो जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है आखिर, और इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा, और आपको क्या करना चाहिए आउट होने के बाद, आपको डिमोटिवेट होने की जगह क्या करना चाहिए। यह चीज जो मैं अपने अनुसार से नहीं बता रहा हूँ, जब मैंने अपने कोच से आउट होने के बाद जब मैं भी ऐसा कुछ डिमोटिवेट हो गया था तो मैंने अपने कोच से पूछा था, तो भी मुझे जो है ऐसा सलाह दिए थे, सोचा मैं आपको भी शेयर करूं वो चीज। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और साथ में कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों अगर आप भी मैच में खेलने जाते हो और इस माइंडसेट के साथ खेलने जाते हो कि हमें आज तो 50 करके आना है, हमें आज सेंचुरी मार के आना है, लेकिन वहां जाने के बाद आप थोड़ा डरने लगते हो अपने अंदर और नर्वस फील करते हो, तो यहाँ तक कि मेरे साथ भी सेम हुआ था। मैं भी जाके सोचता था कि ज़्यादा रन स्कोर करूँगा, लेकिन जो है मैं भी नर्वस फील करने की वजह से आउट हो जाता था जल्दी। मैं 5 बॉल अच्छी खेलता था, मिडल होता था बैट पे, लेकिन फिर भी आउट हो जाता था। तो उसके बाद जो फीलिंग होती है ना, बहुत बुरी वाली होती है। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता था और ऐसा लगता था मैं क्रिकेट में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। आप लोग भी यही सोचते होंगे कि अब मुझे क्रिकेट छोड़ देना, क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ सकता कभी। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, जो भी हम करते हैं ना बहुत गलत करते हैं, और इससे बाहर आने के लिए हम कुछ चीजें जो है कर सकते हैं। अगर आप मैच में आउट हो जाते हो तो आपको सबसे पहले गलती नहीं करना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरा स्किल खराब है, मैं अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करता, मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है, उसके अंदर इतना सारा है, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी करने लगते हो। तो चीज मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन क्या होता है कि आप सोचते हो कि मेरा स्किल खराब है, तो स्किल नहीं खराब होता है आपका, आपके अंदर सारा चीज होता है, बस आपका माइंडसेट जो है चेंज होना चाहिए उस लेवल पे। तो जहां तक ये क्रिकेट है ना, एक गेम जो है माइंडसेट का भी होता है बहुत ज्यादा, तो आपका माइंडसेट जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए किसी मैच में अच्छा रन स्कोर करने के लिए। तो आपको अपने स्किल पर गलतियां नहीं ढूंढनी है। अगर आपको डिमोटिवेट होने से बचना है तो आपको जो है इस मैच को भूल जाना है, आपको अगले मैच के लिए फोकस करना है कि हाँ मैं इस मैच में ठीक है नहीं कर पाया, जो है मैं अगले मैच में जो है अच्छा रन स्कोर करूंगा, सेंचुरी लगाऊंगा, 50 मारूंगा। तो आपको ऐसा टारगेट बनाना है, और आप जो है बेहतर प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो आने वाले मैच की तैयारी करने लगो, ना किसी मैच को सोच सोच के आप पागल हो जाओ और डिमोटिवेट होने लगो खूब ज्यादा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज से आप पहले बचो। क्या होता है जब एक क्रिकेटर होता है ना, तो उसकी लाइफ में जो है कभी बुरा समय आता है तो कभी अच्छा समय आता है। तो आप देख सकते हो विराट कोहली का भी जो 2.5 साल ना बहुत ही खराब गया, लेकिन बाद में क्या किया, उन्होंने कमबैक किया, उन्होंने लगातार अच्छी बैटिंग करी और सेंचुरी पे सेंचुरी लगाते गए। आप उनसे ऐसा मोटिवेशन ले सकते हो, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है वहाँ पे। आपका भी क्या पता बुरा समय चल रहा हो, आने वाले कुछ समय में आपका जो है अच्छा समय आ जाए, तो इसको लेके आप बिल्कुल भी परेशान मत हो कि हमारा जो है बैटिंग नहीं अच्छा हो रहा, हमारा फील्डिंग नहीं अच्छा हो रहा। तो रन लगेगा, आज नहीं लगेगा कल लगेगा, सबका अपना अपना टाइम आता है, शायद आपका भी कुछ दिन बाद टाइम आए, आप भी अच्छे रन स्कोर करने लगो। तो उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो है हम किस बॉल पे आउट हुए, हमारा कौन सा बॉल जो है हमको परेशान कर रही है उस मैच में। तो आपको जिस बॉल पर ज्यादा प्रॉब्लम आती है खेलने में ना, तो उस बॉल की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और टारगेट कर लो कि मुझे 500 बॉल एक दिन में, कम से कम 300 बॉल, 400 बॉल, 500 बॉल तक खेलना है, और उसके बाद मुझे अगले मैच में शानदार स्कोर करना है। तो आप ये जरूर से टारगेट बनाओ कि मुझे एक दिन में 500 बॉल तो जरूर से जरूर खेलना है, अगर आप एक बैट्समैन हो तो। और मैं लास्ट में एक मोटिवेशन आपको और देना चाहूंगा कि जो सचिन तेंदुलकर थे ना, जब वो कभी मैच में आउट होते थे तो ये ऐसा नहीं करते थे कि मुझे इस मैच में आउट हो गया तो मैं इसी को लेकर बैठा रहूं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। वो क्या करते थे, अपने अगले मैच को टारगेट करते थे, और हाँ वो जितना प्रैक्टिस पहले मैच के लिए किए है ना, उससे कई ज्यादा गुना प्रैक्टिस जो है अगले मैच के लिए करते थे। तो आप उनसे मोटिवेशन ले सकते हो, तो आप भी बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हो और अगले मैच में अच्छा रन स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे पता है इस वीडियो का इंपॉर्टेंस कितना है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाना इंपॉर्टेंट समझा था। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया हूं, एक कोच के माध्यम से जो है मुझे बताया गया था, तो आपको मैं शेयर कर दिया ये चीज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक और साथ में कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्रिकेट से रिलेटेड टिप्स आते रहते हैं। मिलते हैं किसी अगले अमेजिंग वीडियो में। जय हिंद।